अस्सलाम वालेकुम। न्यूजीलैंड टूर के बाद साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आ रही है। 14 जनवरी को साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच जाएगी और जो मुकम्मल शेड्यूल ऑफिशियल तौर पर ऐलान हुआ है वो आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। 26 जनवरी को पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा, 4 फरवरी 2021 में दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा, 11 फरवरी को पहला T20, 13 को दूसरा T20, 14 और को आखिरी T20 मैच खेला जाएगा। तो फ्रेंड इस तरह बहुत ही बेहतरीन ये सीरीज शेड्यूल है, 3 T20 मैचेस और 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमल। नए चीफ ने जो 18 नुकली स्क्वाड का ऐलान किया है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ आमर के हवाले से कि आमर ने रिटायरमेंट ले लिया है और वो वकार यूनस और मिसबाला की वजह से लिया है। उन्होंने वाजे बता दिया है जब तक वो मैनेजमेंट में है तब तक वो नहीं खेलेंगे, उन्होंने वाजे बता दिया है। आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें वापस आना चाहिए या नहीं? इसके अलावा फ्रेंड अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरी मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। फ्रेंड्स अगर आप दुनिया क्रिकेट का कोई भी मैच लाइव देखना चाहते हैं स्क्रीन पे ये आपके सामने शो हो रहा है, मेरी डिस्क्रिप्शन में जाएं और लिंक पे क्लिक करके ऐप डाउनलोड करें और दुनिया क्रिकेट का कोई भी मैच लाइव इंजॉय करें। तो फ्रेंड जहाँ 18 रुकनी स्क्वाड की तरफ चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि 18 रुकनी स्क्वाड जिसका ऐलान हुआ है नए चीफ ने किया है, नंबर 1 बाबर आजम, नंबर 2 शर्जील खान जिसकी वापसी हुई है क्योंकि उन्होंने कैदन ट्रॉफी में बहुत अच्छे रन बनाए बतौर ओपनर, नंबर 3 मोहम्मद हफीज़, नंबर 4 हैदर अली इंतहाई अग्रेसिव प्लेयर हैं, नंबर 5 शुएब मलक की श्रीलंकन प्रीमियर लीग में आपको कैसी परफॉर्मेंस लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं, नंबर 6 मोहम्मद रिजवान, नंबर 7 इमाद वसीम इंतहाई अच्छी परफॉर्मेंस ऑलराउंडिंग में देते हैं ये, नंबर 8 फ़हीम अशरफ, नंबर 9 शाहीन शाह अफरीदी, नंबर 10 वहाब रियाज, नंबर 10 हारस राउफ, नंबर 11 सरफराज अहमद। फ्रेंड्स साथ साथ कमेंट बॉक्स में लाजमी बताते जाएं कि कौन सी चेंजिंग्स आपको बेहतरीन लग रही हैं ये नए चीफ के हवाले से, नंबर 12 कामरान अकमल जो कि T20 के मास्टर माने जाते हैं ओपनर बैट्समैन, नंबर 13 फ़खर जमान की वापसी हुई है फ्रेंड्स, नंबर 14 हसन अली, नंबर 15 मोहम्मद आसफ की भी वापसी हुई है क्योंकि इन्होंने कैदन ट्रॉफी में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है, आप इनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे, नंबर 16 उस्मान शिनवारी, नंबर 17 खुशदिल शाह, नंबर 18 मोहम्मद हसनैन। ये होने वाली है 18 रुकनी स्क्वाड साउथ अफ्रीका के खिलाफ। फ्रेंड आपको कैसी लगी, कौन सी आपको आपके ख्याल में चेंजिंग ये बेहतरीन हुई हैं कौन सी नहीं हुई हैं, आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करिएगा और कोई कुछ भी आप पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।